हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, और जो हमारा टॉपिक है वो है राजा राम मोहन रॉय। ये सोशल रिफॉर्मर के ऊपर लेसन प्लान बनाने की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो इसीलिए मैं ये लेसन प्लान मैंने प्रिपेयर किया है, और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा जर्नल एम है, ठीक है, तो हमें वो मेंशन करना होता है। बाद हम आते हैं अपने स्पेसिफिक जो में जो में जो कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो, जो 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 भी हम चीजें पढ़ाने जा रहे हैं अपने अपने इस चैप्टर में, या तो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो चीजें चीजें कवर करेंगे वो सारा हम इस ऑब्जेक्टिव में मेंशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मटेरियल एड हम यूज करेंगे, जो भी चीजें हम पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। इसके बाद जो है मेजर इंस्ट्रक्शनल टॉपिक, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आज आप अपने चैप्टर में अपने लेसन में कवर करने वाले हैं। क्या क्या चीजें आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये पांच टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। जैसे कि सोशल एविल्स क्या क्या थे इंडिया में 18th और 19th सेंचुरी में, और क्या रिक्वायरमेंट थी सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद जो है राजा राम मोहन रॉय की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ब्रह्मो समाज जो मूवमेंट चला था उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रीवियस नॉलेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मेंशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताना है, दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राजा राम मोहन रॉय अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये प्रेजेंटेशन टेबल। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं लर्निंग आइटम, जो चीजें जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ मेंशन करेंगे, फिर उस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया करेंगे, ठीक है। क्या क्या सोशल एविल्स थे, बहुत सारा जो इंडियन कंडीशन था बहुत ज्यादा ही बुरा था, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, हर तरह से जो है इंडिया बिल्कुल जो है डिक्लाइन पर था, ठीक। यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा पिछड़े हुए थे, और जो और वो उनकी मान्यता जो थी, जो वो कस्टम और ट्रेडिशन जो सालों से फॉलो करते थे, तो वो उसके अंदर वो किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं लाना चाहते थे, किसी भी तरह की चेंज को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जाएगा, कि जो जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज अ डिस्कशन, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो आंसर देंगे उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट्स क्या क्या आंसर देंगे। लर्निंग आउटकम जो है, जो भी बच्चों ने क्या सीखा वो यहाँ पर लर्निंग आउटकम में आ जाएगा। इसी तरह से हमारा सेकंड टॉपिक होगा रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी और द सोशल फॉर्मेशन, ठीक है। उसका जाएंगे टीचर्स के द्वारा, और उसके बाद जो है वो भी स्टूडेंट जब रिप्लाई करे उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर लर्निंग आउट। यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, उनके लाइफ के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। ये डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर, ये सारा क्वेश्चंस मेंशन है, और उसका जो भी आंसर दिया है बच्चों ने वो सारा यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। वो टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या चेंजेस लाए सोसाइटी में, किस तरह से वर्क किया, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स, ये सारा कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है।
राजा राममोहन रॉय को जो आ, आ, जो हिंदुइज्म में जो कट्टरपंथी थी, जो जिस तरह से जो है वो लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, या फिर सती का जो सिस्टम चलता आ रहा था, तो वो सबके बिल्कुल वो अगेंस्ट में थे। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर, काफी सारे न्यूज़पेपर उन्होंने एडिट किए हैं, लिखे हैं उसको। और जब ब्रिटिश ने जो है न्यूज़पेपर की फ्रीडम पर जब जो है रोक लगा दी कि न्यूज़पेपर जो है अपने मर्जी से आर्टिकल नहीं छाप सकता है, तो उसके अगेंस्ट भी राजा राममोहन रॉय ने कदम उठाए थे। ये फिफ्थ पॉइंट है, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू किया था राजा राममोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कब किया था? 1828 में। ठीक है, ये एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट था ताकि लोगों को मॉडर्नाइजेशन के बारे में समझाया जा सके, वेस्टर्न एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाए, और जो पुरानी जो ट्रेडिशन और कस्टम थे उनके मतलब खिलाफ में नहीं, लेकिन उसको किस तरह से चेंज करने की जरूरत थी, इंडिया में किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत थी, ये सारा कुछ यहाँ पर जो है इस मूवमेंट का मेन मोटिव यही था। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसके आंसर्स यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आता है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी वर्क किया है उसको आप ब्लैक चार्ट पेपर के बाद है एप्लीकेशन, और उसके असाइन देने के बाद यहाँ पर लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मेरा, आई होप कि आप लोगों के लिए जो यूजफुल होगा, अच्छी 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 लगी हो तो शेयर 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल।